हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम ये बहुत ही सुंदर थालपोस का डिज़ाइन आप लोगों को बुन के दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले 10 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फर्स्ट वाली चेन में डालकर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोचेट मानेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे और इसी सर्किल में हमें टोटल 12 डबल क्रोचेट और बीच में 2-2 चेन लेते जाना है। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोचेट, ऐसे टोटल 12 डबल क्रोचेट कर लेते हैं। ये राउंड हमने पूरा कर ली है। लास्ट में 2 चेन लेके यहाँ पर जॉइंट कर देंगे 3 चेन वाले स्पेस में। फिर हमें इस छेद में आना है 2 चेन वाले स्पेस में। ये थालपोस की डिज़ाइन हम ऐसे ही बुनेंगे चेन वाली स्पेस में आकर। फिर 3 चेन लेंगे और इसी सर्कल में और एक डबल क्रोचेट करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1-2, फिर इसकी पास वाली इस छेद में फिर से 2 डबल क्रोचेट करेंगे, 1-2, फिर से 2 चेन लेंगे। ऐसे हमें हर एक छेद में 2-2 डबल क्रोचेट करते जाना है, बीच में 2-2 चेन लेते जाना है। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है। लास्ट में 2 चेन लेके यहाँ पर 3 चेन वाले स्पेस में जॉइंट कर लेंगे। फिर से हमें यहाँ पर इस स्पेस में आने के लिए एक स्लिप स्टिच करना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और इसी क्षेत्र में हमें टोटल 3 डबल क्रोचेट करना है, 1-2, 3 डबल क्रोचेट हो चुके हैं। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से इस क्षेत्र में 3 डबल क्रोचेट करेंगे, 1-2 और 3, फिर से 2 चेन लेंगे। यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोचेट 2 चेन, फिर इस राउंड पे 2 डबल क्रोचेट 2 चेन और ये थर्ड राउंड में 3 डबल क्रोचेट और 2 चेन लेना है। ऐसे पूरे राउंड को पूरा करते हैं। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है। लास्ट में 2 चेन लेके यहाँ पर 3 चेन वाले स्पेस में डालकर जॉइन कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब हम ये दूसरी कलर ऐड करेंगे। पहले एक स्लिप नॉट कर लेंगे, फिर किसी भी एक 2 चेन वाली स्पेस में डालकर जॉइन करेंगे ऐसे। फिर 3 चेन लेंगे, 1-2-3, फिर और एक डबल क्रोचेट करेंगे इसी छेद में और बीच में 2 चेन लेंगे, 1-2 और फिर से इसी छेद में 2 डबल क्रोचेट करेंगे, 1-2, फिर बीच में 1 चेन लेंगे और उसके बाद इसके पास वाली छेद में फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1-2, फिर बीच में 2 चेन, 1-2 और फिर से 2 डबल क्रोचेट, 1-2 और बीच में 1 चेन। ऐसे हमें ये राउंड को पूरा करना है। 2-2 डबल क्रोचेट और बीच में 2-2 चेन और इस बीच में 1 चेन लेना है। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है। लास्ट में 1 चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर हमें इस बीच में आना है, एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1-2-3 और एक डबल क्रोचेट करेंगे, बीच में 2 चेन लेंगे, 1-2, फिर से इसी छेद में 2 डबल क्रोचेट करेंगे, 1-2। जैसे ये राउंड हुआ था ऐसे ही होगा, लेकिन बीच में यहाँ पर 1 चेन लिया था,
यहाँ पर तीन चिन लेंगे, एक दो तीन। फिर से ऐसे ही यहाँ पर बुनेंगे, दो डबल क्रोचेट दो चेन, फिर से दो डबल क्रोचेट और बीच में तीन तीन चेन लेते जाना है। तो ये राउंड भी पूरा कर लेते हैं। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है, लास्ट में तीन चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर से एक स्लिप स्टिच करके बीच में आएंगे, फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और फिर से इसी क्षेत्र में और एक डबल क्रोचेट करेंगे, बीच में दो चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोचेट करेंगे, एक दो। जैसे ये राउंड में हुआ था ऐसे ही होगा, लेकिन फर्स्ट में एक चेन, सेकंड में तीन चेन, यहाँ पर टोटल पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर से यहाँ पर हमें दो डबल क्रोचेट दो चेन, दो डबल क्रोचेट करते जाना है और बीच में पांच पांच चेन लेते जाना है। तो ये राउंड भी हम ऐसे ही पूरा कर लेते हैं। ये राउंड भी हम बुन लिए हैं, लास्ट में पांच चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर से एक स्लिप स्टिच करके बीच में आएंगे, तीन चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोचेट करेंगे, फिर बीच में दो चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोचेट करेंगे, जैसे अब तक होते आया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा, हमें चार चेन लेना है, एक दो तीन चार, और इस तीन चेन वाले और पांच चेन वाले स्पेस को हमें एक साथ ऐसे स्लिप स्टिच सिंगल क्रोचेट करके जॉइंट करना है ऐसे। फिर से चार चेन लेंगे, दो तीन चार, ऐसे ही हमें यहाँ तक भी बुनना है। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है, लास्ट में चार चेन लेके यहाँ पर जोड़ देंगे। और धागे को कट कर लेंगे। अब हमें दूसरी कलर ऐड करना है। अब हम फिर से ग्रीन कलर ऐड करेंगे, एक स्लिप नॉट कर लेंगे और किसी भी एक दो चेन वाले स्पेस में डालकर जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर हमें टोटल नए चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और पास वाली दो चेन वाली स्पेस में डालकर ऐसे जॉइंट करना है। फिर से नया चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इसकी पास वाली इस स्पेस में दो चेन वाली स्पेस में डालकर ऐसे जॉइंट करना है। ऐसे ये राउंड को पूरा कर लेते हैं। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है, लास्ट में नौ चेन लेके फर्स्ट वाली छेद में ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर एक स्लिप स्टिच करके इसकी पास वाली छेद में आएंगे यहाँ पर। ये राउंड पूरा होने के बाद आपको लगेगा ये टाइट हो चुकी है, लेकिन नहीं, इसके बाद के राउंड होने से ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो करते हैं, चलिए, एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ पर हमें टोटल 12 डबल क्रोचेट करना है। ये चेन वाली डबल क्रोचेट को हम एक धरेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। फिर बीच में हमें एक चेन लेना है और ऐसे ही 12 डबल क्रोचेट करते जाना है। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है, लास्ट में एक चेन लेके यहाँ पर जॉइंट कर देंगे फर्स्ट वाली डबल क्रोचेट में डालकर। फिर हमें तीन चेन लेना है, एक दो तीन, इसके पास वाली टोटल 5 डबल क्रोचेट के ऊपर 5 डबल क्रोचेट करना है, दो तीन चार ये 5। अब इसके बाद
दो छेद को हमें स्किप करना है और ऊपर दो चेन लेना है। दो छेद को छोड़कर उसके पास वाले छेद में फिर से डबल क्रोचेट करना है, एक दो तीन चार और ये पांच। उसके बाद हमें एक चेन लेना है। ऐसे ये राउंड को पूरा करते हैं, बीच में यहाँ पर दो चेन और यहाँ पर बीच में एक चेन। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है। लास्ट में एक चेन लेके फर्स्ट वाली डबल क्रोशेट में डालकर जॉइन कर लेंगे और एक चेन लेके इसे कट कर लेंगे। ये राउंड भी हमने पूरा कर ली है। अब दूसरी कलर ऐड करेंगे, एक स्लिप नॉट कर लेंगे, किसी भी एक छेद में डालकर जॉइन करेंगे। इसके बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और टोटल तीन डबल क्रोशेट करेंगे। ये हुआ दो, ये तीन, फिर बीच में दो चेन लेंगे और फिर से तीन डबल क्रोशेट करेंगे, एक दो और तीन, फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर से इस छेद में ऐसे ही तीन डबल क्रोशेट, दो चेन, तीन डबल क्रोशेट और बीच में एक एक चेन लेते जाना है। और इसके बाद यहाँ पर जो राउंड हुआ था, फोर राउंड्स, यहाँ पर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तीन, हम दो डबल क्रोचेट हुआ था, यहाँ पर तीन तीन डबल क्रोचेट होता जाएगा। ऐसे ही पूरे राउंड पूरा करते हैं। ये थर्ड पोस हमारी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस में कर ली है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।